Santos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल. मैं जिग्न्या और आप देख रहे हैं स्टेप अप विद जिग्न्या. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. एज पर योर रिक्वेस्ट, आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कड़ी पत्ता ट्री को घर में ग्रो करने की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एंड बिट ऑफ सोशल लाइफ विद फ्रेंड्स जस्ट बिफोर सेकेंड लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज. एंड लेट्स सी ये क्यूट सी चुटकुल आर्टिस्ट ने मुझे क्या खूबसूरत तोहफा दिया. तो चलो व्लॉग शुरू करते हैं. मैं जॉब पे थी तब मुझे एक दो मैसेजेस डांस के क्लिप्स और वो सब आने लग गए मेरी फ्रेंड की तरफ से. और मैंने सोचा इसको डांस करने का मन किया है तो मैंने पूछ लिया और उसने पता है रिप्लाई किया है जो मुझे इतना हैप्पी किया और आई जस्ट लाफ्ड. सी सेड आई एम क्रेविंग फॉर इट. और हमारा वैसे भी डांस का कोरियोग्राफी चल ही रहा था और बीच में बड़ा सा गैप आ गया क्योंकि शी वॉज बिजी एंड आई वॉज बिजी इन डिफरेंट डायरेक्शन. सो उसको बोला कि हाँ चलो कुछ प्लान करते हैं और उसने मुझे तो ब्रेकफास्ट पे बुला ही लिया. और अभी मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट पे और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे. वो मस्त साबूदाना की खिचड़ी बना रही है और मुझे इतनी खिचड़ी पसंद नहीं है पर जब मैंने ये खाई ना इतनी यमी बनाई थी उसने. और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम डांस की प्रैक्टिस करेंगे और हम दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो इतनी मज़ेदार बातें होती है. एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ बातें होती है स्टडी की, रुचा की स्टडी की मेनली, क्योंकि उसने काफ़ी एक्सपीरियंस में भी हेल्प किया था. और डांस वी आर लाइक वी बोथ आर क्रेजी फॉर डांस पर मैं बस साइड कर देती हूँ. डांस का कुछ भी प्लान होता है तो इतना प्रायोरिटी नहीं देती हूँ. और एक ऐसी फ्रेंड हो जो प्रायोरिटी दे तो बस और क्या चाहिए. एंड शी लाइक्स माई कोरियोग्राफी सो इट मेक्स ईजी एंड देन इट्स गुड. चलो नाश्ता हो गया और उसके बाद अच्छे से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दी, कोरियोग्राफी बाकी ही कर दी. एंड आज मुझे दीपिका के वहाँ पे भी जाना था. जैसे आपको पता ही है कि दीपिका की तबीयत इतनी ठीक नहीं है. जो भी दीपिका की चैनल फॉलो करते हैं और हमारे कॉमन सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को वैसे भी पता ही है कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में. तो मुझे दो तीन दिन टाइम निकालना था और उससे मिलना था क्योंकि बस ऐसे टाइम पे फैमिली होती है तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है. पर यहाँ पे सभी की फैमिली नहीं होती है और फ्रेंड्स ही फैमिली है. तो मैं भी लकी हूँ इस बारे में कि मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और बस ऐसे टाइम पे फ्रेंड्स ही काम आ जाते. तो चलो मैं उसको भी मिलाऊँगी एक दो दिन और फिर उसको भी घर पे बुला दिया जब उसको ठीक लगा तब कि चलो कुछ बैठ के कर ले. फिर तो रिस्ट्रिक्शंस आने के एक्सपेक्टेड है ही कि घर पे भी नहीं मिल पाएंगे. तो उससे पहले दीपिका को भी घर पे बुला लिया एंड थोड़ा सा चेंज हो गया. और जब दीपिका ने ये अपने चैनल पे रखा तो काफ़ी लोग ने थोड़ी सी रिक्वेस्ट डाली थी कि हमको सुनना है कि आप सब क्या बातें करते थे. तो मैं इसमें थोड़ी सी क्लिप्स ऐड कर रही हूँ बातें की भी. सो आई होप यू एंजॉयड. जब मैं दीपिका के घर पे गई थी उसका तबीयत देखने के लिए तब अद्वी इतना एक्साइटेड हो के इतनी सारी मुझे बातें बता रही थी मासी मासी करके. और मैं और दीपिका कुछ अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहे थे इतना. बट शी इज सो लवली क्यूट चाइल्ड एंड शी द वे शी अटेंड्स मी लाइक मासी मासी करके इतना मीठा बोलती है. फिर दीपिका बोली हाँ बेटा मासी यहीं पे है, वो कहीं नहीं जा रही है, तो इतना थोड़ा सा अपना होमवर्क कर ले. सो शी देन नेक्स्ट डे आई थॉट आई शुड गो अगेन फॉर हर एटलीस्ट नॉट इवन दीपिका. सो या इट वॉज सो लवली. आई जस्ट लव किड्स. एंड फिर यहाँ पे आई तो वो मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट बना के लेके आई है. उसको मैंने एक बार क्ले ला के दिया था तो दीपिका बोली थी कि वो क्ले नहीं ला के देती क्योंकि वो फिर घर में इधर उधर सब कुछ रहता है. पर अभी अब तो बड़ी हो गई है, अब इतना वो कुछ मैस भी नहीं करती है घर में.
पर मैंने बोला लेट हर प्ले विथ इट ओके। तो उसने इतने सारे भगवान जी बनाए उससे, और वो ड्राइंग भी इतना अच्छा करती है, कुछ भी देखती है फिर एक ही बार देखना पड़ता है उसको, और फिर इतना अच्छा वो ड्राइंग करती है या फिर कुछ बना देती है। तो सी वॉट शी गिव मी, आई एम सो अमेज्ड विद दिस, आई जस्ट लव किड्स। Didi will come na next time then. No, even without Didi, if it's clear sky, let's go all together. I know one spot. 9:30 बजे सोने जाते हैं, तब तक हम फ्री हैं। मतलब 9:30 से 10 बजे तक विकास का डिपार्टमेंट है, उसे सुला दे। हाँ, तो वो चले जाएंगे, सुला के वापस आपको लेने आ जाएंगे। बिना गाड़ी के मेरी हालत जो हो रही है। नहीं तो बोलती कि भैया चले जाएंगे, इन्हों को लेके मैं आपको छोड़ दूंगी। तो नहीं बोल सकती ना। चाय की तपेली ऑलरेडी चला दी थी और उसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, मम्मी का इंडिया से भेजा हुआ चाय का मसाला, अदरक खूब सारा और बेसिल का लीव्स डाले हैं, मिंट भी डालती हूँ मैं, शुगर एंड ऑब्वियसली चाय की पत्ती डाल दी है। तो और कुछ डालना बाकी रह गया हो तो बताना, नेक्स्ट टाइम वो भी मैं डाल दूंगी। बाकी बस इतनी इतनी चीज़ें मैं डालती हूँ, और चाय मुझे ये सब चीज़ों के साथ ही अच्छी लगती है और इतनी मस्त बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना है इसे बना के। हमारे पॉलिश्ड है, हमें पॉलिश्ड हमारे चार चार कुल्लड़ की चाय 2 कुल्लड़ में खत्म हो जाता है। उबाल उबाल और फिर सोचा वहां पे चले जाऊं, फिर सोचा कि चलो प्रोफेसर की चाय बना देते। तुम लोग पर तुलसी का मस्त टेस्ट आ रहा है। वैसे क्या बोले भैया, उधर बैठ जाओ, मैं उधर बैठ सही होता है सिंहासन ऊंचा थोड़ा सा, मैं ठीक है। क्या आपने ये क्या मैं खा लिया इतना ज्यादा नमकीन नहीं चाय के साथ, इतना मीठा चाहिए। मैंने उसे दे दिया अपना दो जो मुझे चाहिए चाय के साथ। वही वाला है ज्यादा, तो हमारे यहाँ कभी नहीं बनता था ये सर्दियों में एक बार, ये वो स्प्राउट वाले है तो और प्रोटीन हो जाता है ना ज्यादा, प्रोटीन प्रोटीन वो कभी फिर से फटे वो बेचारी, मुझे नहीं अच्छा लगता रोटी फटेगी, मेरा इससे भी नहीं सही हाथ बैठ रहा, बाद में जलवा लेना था बेटा। हो गई इससे ज्यादा करने नहीं फटी। लेट्स सी अद्वी क्या कर रही है, खाते खाते कुछ तो मोबाइल में उसको लगाना था कोई प्रोग्राम। लेट्स सी व्हाट आर यू वाचिंग, it's a mantra book shiva so what are you watching, it's a mantra book shiva so पता चला इनु क्या बोल रही थी। मुझे उस टाइम भी समझ में आ गया था, फिर जब वीडियो एडिट कर रही थी तब याद ही नहीं आ रहा था वो क्या बोली थी और सुन के भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर दीपिका उसको फोन करके पूछना पड़ा कि वो क्या सुन रही थी उस टाइम पे, तो बोला पावरफुल मंत्र ऑफ लॉर्ड शिवा। तो खाते टाइम पे वो अपने आप ऐसी चीजें सुना करती है, दैट्स गुड। चलो रोटी भी रेडी हो गई है और खाना खाने बैठते हैं, और बातें हो रही थी खाने पे कि जॉब का स्केड्यूल मेरा क्या है और भैया का क्या है, क्योंकि आजकल तो भैया ही मुझे लिफ्ट दे रहे हैं जॉब पे जाने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी जो बिगड़ी हुई है।
और फिर दीपिका ने एक सब्सक्राइबर की बात की कि उनके कोई एक सब्सक्राइबर है जो गुजराती है और उन्होंने काफ़ी सारी एडवाइस दी है कि सुखड़ी खानी चाहिए, वो गुजरात सी है, गुजरात से है तो गुजरात की जो भी हाँ मेरे होम रेमेडीज यूज़ करते हैं वो सब बोल रहे थे। सो थैंक्स टू दैट सब्सक्राइबर टू रिमाइंडिंग अस। तो हाँ मैं सुखड़ी भी बना के दूंगी उसको और मेथी की नाना मेथी की सब्जी भी बना के दे दी। तो थैंक्स अगेन टू रिमाइंड ऑल दोज होम रेमेडीज। मम्मी से भी पूछा, काफ़ी मम्मी भी ये सब चीज़ें करती थी पर बस ऐसे टाइम पे याद नहीं आता, कोई याद करवाता है तो अच्छा लगता है कि याद आस व्हाट वी शुड डू। बस तो ये थी हमारी इवनिंग रिफ्रेशिंग और फ्रेंड्स वीक ऐसा रहा मेरा। और कड़ी पत्ता ट्री के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस है सब्सक्राइबर के, तो चलो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं कैसे देखभाल करती हूँ ये ट्री का। मम्मी इंडिया से छोटे पौधे कड़ी पत्ता के लेके आए थे, तो इसे मैं धूप में या बारिश में आउटडोर रखती थी जब इतनी ठंड नहीं होती है तब, समर में खास करके, और इंडोर आउटडोर करती रहती थी। पर आफ्टर 6 मंथ बड़े गमले में जब मैंने उसे ट्रांसफ़र किया देन उसके बाद ये पॉसिबल नहीं था, और विंटर में भी ये पॉसिबल नहीं है होता है कि मैं उसको बाहर ले जाऊँ, तो इंडोर ही रखना पड़ता है यूके में ऐसे प्लांट जो गर्मियों जिसको गर्मी चाहिए। और ये बड़े ट्री के लिए मैं 4 बातें ध्यान में रखती हूँ, 2 बातें मैंने शायद आपसे शेयर ऑलरेडी करी थी जब थोड़ा सा गार्डनिंग का बताया था तब, कि इसको विंडो साइड पर रखना है ताकि उसको पूरे दिन अच्छी लॉन्ग टाइम डेलाइट मिले, और गर्म रूम में रखना है, तो उसको गर्म रूम में रखना एकदम जरूर इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात मैं ध्यान रखती हूँ कि बारिश का पानी मिस नहीं करना है, वो स्पेशली जो थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश आती है उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आई डू कलेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड एंड पॉर करती हूँ, हर एक प्लांट को मैं देती हूँ वो बारिश का पानी। एंड चौथी एक बात है जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है पर मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास टॉर्टोइज है और उसको कई घंटे यूवी लाइट में रखना पड़ता है, तो एक ही रूम में यूवी लाइट रखती हूँ जिसमें सेम रूम में मैं ट्री भी रखती हूँ, तो इट्स गुड फॉर ट्री टू। मेरे ये ट्री से पहले के 2 अटेम्प्ट थे कि मैंने सीड्स बाय किए, वो नहीं ग्रो किया, और मैंने कुछ ऑनलाइन 25 पाउंड का एक पौधा भी बाय किया था वो भी नहीं ग्रो किया, सिर्फ ये वाला मम्मी ने जो अच्छी नर्सरी में से ला के दिया है वही ग्रो कर रहा है। एंड विथ ऑल दिस 4 टिप्स की बारिश का पानी दो, घर की गर्म रूम में रखो, एंड डे लाइट अच्छे से आनी चाहिए, और मेरे पास ही हुई है लाइट है तो मैं उसका उपयोग करती हूँ साथ में, दैट्स ऑल। थोड़े से सब्सक्राइबर ने पूछा है टॉर्टोइज के बारे में, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट करूँगी, एंड जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पता है मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलो दोस्तों, तो साथ में मैं मेरा गार्डन भी दिखा दूँ। आपने शायद मेरा देखा होगा पहले का कोई वीडियो कि मैंने काफ़ी सारा वेजिटेबल्स का ग्रो करने का काफ़ी तामझाम किया था। सभी वेजिटेबल्स अच्छे से नहीं आई थी क्योंकि मेरा गार्डन है जो आधा, तो एक ट्री की वजह से सनशाइन ही नहीं आती है, तो जो वो साइड में आता है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ये फुदीना इतना मस्त आ रहा था मिंट, बस अब ठंडी ठंड की वजह से इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो जितना भी अच्छा था वो सब ले लिया यूज में। ये देखो ये है बीट रूट, ये है रेडिश, ये अच्छे से हो रहे हैं कैबेज, लुक एट दिस, आई जस्ट लव इट। और ये इतनी मीठी होती है, मीठी मतलब नॉट स्वीट स्वीट लाइक मीठी, पर इसका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है उसकी सब्जी बनाने से पहले तो ऐसे ही। ये हेरना बीन्स अच्छे से आए हैं, ये एमरस एंजॉय करता है, लुक एट इट, आई जस्ट लव दिस। और यहाँ पे कोई खा जा रहा है मेरा, कोई नहीं, ये देखो कौन खा रहा है, देख ही रहा है,
तो ये एरिया में मैंने कॉर्जेट डाले थे जो नए ढंग से हुए। इतना बड़ा ट्री है जो आधे गार्डन में तो सनशाइन ही रोक देता है, तो बड़े ट्री को काटने का सोचा भी, पर इतना जी नहीं चला कि इसको काट ले। और उतने में हमने दो तीन दिन देखा भी कि एक डाव है, पूरा फैमिली है और छोटे छोटे बर्ड्स इतना चिरपिंग करते हैं, तो वी कांट जस्ट कट द ट्री, सो हमने फिर नहीं काटा। एंड यस, वी कांट जस्ट कट समवंस होम बिकॉज ऑफ सनशाइन। और ये देखो टमाटर्स, मैंने यहाँ पे तीन या चार कलर के टमाटर्स डाले थे, सैलेड के हैं, तो दो कलर के आए हैं रेड, बाकी है अभी ये येलो है, ये ऑरेंज कलर के होते हैं, और यहाँ पे कहीं पे शायद ग्रीन होंगे, कई ग्रीन भी कलर के आएंगे, और भी एक कलर था पर्पल या कुछ था, तो सही आई डोंट नो, जब आएगा तब देख लेंगे। ये इतने अच्छे फ्लावर्स आते हैं, आप सूख गए। और एक ये है, ये पूरा घर बनाया है एम्ब्रेस का, टॉर्टोइस का ये पूरा घर है, जब समर में अच्छी धूप आती है तब इसको यहाँ पर रखते हैं, तो उसको भी मज़ा आता है। ठंड बढ़ने के बाद ऐसा सब इतना बुरा हाल हो जाता है। ये देखो, ये है ब्रोकोली, बट ब्रोकोली नहीं आई इतनी अच्छी, पता नहीं क्यों नहीं आई, मुझे और ज़्यादा स्टडी करके करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो चलो दोस्तों, आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, फिर जल्दी से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलना। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी एंड हेल्दी। Lots of love to all. Bye bye for now.